समंदर के अंदर से मिलने वाली कुछ अजीबोगरीब चीजें। नंबर वन, एरोप्लेन। कुछ साल पहले रशिया के दो डाइवर्स समंदर की गहराई को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये लोग समंदर की गहराई से 88 फीट नीचे चले गए। जैसे ही ये समंदर के नीचे गए तो इन्हें वहाँ एक एरोप्लेन नजर आया। इस प्लेन की कंडीशन इतनी खराब तो नहीं थी, लेकिन इस प्लेन का पायलट भी इसके अंदर मुर्दा हालात में मौजूद था और उसकी हड्डियां बाकी रह गई थी। बाद में पता चला ये एक सोवियत यूनियन का जहाज था जो कुछ साल पहले अचानक लापता हो गया। नंबर टू, SS डिस्टलगॉम शिप। ये एक ब्रिटिश आर्मी का शिप था जो 1940 में बनाया गया। इस शिप पर व्हीकल्स और वेपन्स को लोड किया जाता था। 1941 में ये शिप मिस्र की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में ही डूब गया। 10 साल तक इस शिप का कोई पता नहीं चल सका, लेकिन 1951 में ये मिल गया। हैरानी की बात ये थी कि जब ये मिला तो इसके अंदर सारा सामान वैसे ही मौजूद था।